अब सीधे लेट जाओ, सीधे लेटो। रे भैयों मेरी तरफ सिर करो, पीछे तरफ पैर, एक एक पैर ऊपर उठाओ, नीचे लेके आओ, 50 बार करना है, सीधे लेट जाओ। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे। एक एक पैर को उठाइए, नीचे लेके आइए। हाँ बोलो बहन। परम श्रद्धे स्वामी जी को मेरा शत-शत नमन। प्रणाम बहन। मेरा नाम अमिता है, मैं जयपुर से आई हूँ। मेरा 95 किलो वजन था, 95, और मैंने 30 किलो वजन घटाया है। जोरदार तालियां हो जाए इस बहन के लिए तो भाई। और मैं नहीं देख रहा, बहुत देर से बहन अपनी बात कहने के लिए उत्सुक थी, तो मैंने कहा इसकी भी सुन लो। और मैं 3 साल से नियमित योगाभ्यास कर रही हूँ, और मैं एक भी दवाई नहीं लेती हूँ, एक भी दवाई नहीं लेती है। और 30 किलो कब कम कर किया था? 30 किलो मैंने 2 साल में कम किया। ये 2 साल कम करके अब बढ़ नहीं रहा है। 3 महीने से शुरू हो गया था, फिर कर करके 6 महीने में मैंने पूरा 30 किलो वजन घटाया। क्या बात है, ये तो हिस्ट्री बना दी है। मैं डेली के, अब तो आपको तो देखती होंगी पुरानी जो आपकी सहेलियां हैं वो इंस्पायर्ड नहीं होती? बिल्कुल, मैंने बहुत लोगों को योगाभ्यास से जोड़ा है। जयपुर में लगभग विद्याधर नगर के सभी महिलाओं को मैं योगाभ्यास। क्या बात है, जोरदार, इसके लिए भी तालियां। तुम तो खुद सीख के जा रही हो, अपने आप अपने तक ही मत रखना इस योग विद्या को, नहीं तो पाप लगेगा। जो यदि मैं अपने ही पहस रखता, आप लोगों को नहीं सिखाता, तो आप कैसी सीखती? बहुत आशीर्वाद, ऐसे ही सबको सिखाते रहना है। ये तो बहुत बड़ी रोल मॉडल हो गई हमारी बहन। बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद बहन। चलो एक भाई हमारे सामने ही खड़े हैं, ये पश्चिम बंगाल से आए हैं, क्योंकि इनकी भाषा से मुझे लग रहा है बहुत बाबा जी मुझे भी कुछ कहना है। चलो एक एक पैर को उठाया था, गोल गोल घुमाओ, बड़ा शून्य बनाओ। ये थाई बटक चिप्स के लिए बहुत अच्छा है। लंबा श्वास और पूरी गोलाई में घुमाओ। हाँ बाबा जी, ओम ओम। मेरा नाम पी के नाथ, मैं हैदराबाद। अच्छा हैदराबाद आया हूँ सर, वहाँ पर सेटल्ड है। अच्छा, मैं 2004 जून से आपका साथ जुड़ा हुआ हूँ, और उसी टाइम से अभी तक 4 घंटा सुबह टीम के सामने बैठ रहता हूँ। अभी शरीर का अंदर में कोई रोग नहीं है। आपका प्रेरणा से अभी तक जो मुझे नॉलेज गेन हुआ है, मैं सबको बांटते रहता हूँ। क्या बात। अच्छा, जो भी बीमारी जो हॉस्पिटल से डॉक्टर ने छोड़ दिया, उसको लाइफ 1 मंथ या 2 मंथ है, उसको ट्रीटमेंट देकर भी उसको लाइफ थोड़ा मैं बढ़ाता हूँ। ये लो, अब ये सबको सिखा रहे बाबा। कितनी उम्र हो गई आपकी? 67 है। 12 साल हो गए जुड़े हुए, 2004 में टीवी से ही जुड़ गए थे, और तब से लगातार कर रहे हैं। मेरा साथी जो वहाँ पर है हमेशा के लिए, मतलब यही में है, तो मेरे को कहते हैं आप जो ग्राम चला जाओ, बाबा का आशीर्वाद लेकर आओ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हुआ है। बहुत अच्छा। और सबसे खुशी का बात है, ये जो रोमेटाइड अर्थराइटिस प्लस किडनी का बीमारी एक पेशेंट का था, जिसका वेट 60 से घाट के 35 किलो हो गया था, उस पेशेंट को जो उठा के बाथरूम में लेकर जाए टट्टी पेशाब के लिए, वो जो लेकर जाए उसको टट्टी पेशाब का दार उसने साफ पानी से साफ करते हैं, उसको भी आज 52 किलो वेट हो गया, अभी वो जिंदा है। जिसका डायलिसिस चल रहे थे, उसका साथ में जितना डायलिसिस चलते सबका वो ऊपर में पहुंच गया, ये जिंदा है। क्या बात है, ऐसे तो अभी मैं शिविर भी लगाता हूँ, हर घर में जाकर सबको मैं प्रोत्साहित करता हूँ, उसमें बहुत खुशियाँ मिलता है। बहुत आशीर्वाद। देखो अब यही संकल्प ले लिया, बहुत आशीर्वाद, कि अब मुझे जो मिला है मैं सबको बांटूंगा। तो कितने रोगी हैं उनको मरने से बचा लिया। यहाँ पर भी आकर सुबह जब 4 बजे मैं यहाँ पर 3 बजे आ जाता हूँ, आने के बाद जितना चाहे जेंट्स होता है लेडीज हो, उसको भी मैं सबको मैं बताते रहा था, जिसका जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए बताने के बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, चाहे जोग का बारे में हो चाहे बीमारी का बारे में। बहुत आशीर्वाद। चलो अब साइकिलिंग करो, साइकिलिंग। चलो ये बहन भी कुछ कहना चाह रही है, साइकिलिंग करो 2-3 मिनट लगातार, एक एक अभ्यास। हाँ लंबी लंबी श्वास। मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, आशा आप मार्गदर्शन करेंगे। मैं नोएडा से हूँ, और वहाँ पे एक संस्था है मानसिक एवं शारीरिक विकलांग बच्चों की, वहाँ पे मैं फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी की हेड हूँ। अच्छा। तो हमारे यहाँ 500 से 1000 के करीब बच्चे हैं वहाँ। अच्छा। अलग अलग डिसेबिलिटीज के, जिसमें सेरेब्रल पैल्सी है, ऑटिज्म है, और बोलने और सुनने की अक्षमता वाले बच्चे हैं। हाँ। डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं। तो जिस सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे जो कि ज्यादा हैं, सबको एपिलेप्टिक फिट्स बहुत ज्यादा आते हैं,
और सबके सब दवाइयां लेते हैं, बेचारे सोए रहते हैं, कई तो चेस्ट कंजेशन और एपिलेप्सी की वजह से मर गए हैं मेरे सामने। ठीक बात। तो मैं ये चाह रही हूँ कि उनके लिए हम कुछ अगर प्राणायाम उनको बेटा प्रोत्साहित कर सकें। प्राणायाम करवाओ, थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कराओ जिनके शरीर में स्टिफनेस है, और अपने मेधावटी और अश्वगंधा कैप्सूल है बाबा जी, बच्चे छोटे होंगे तो कैप्सूल लेना उनके लिए। कैप्सूल में से वो अंदर से उसका वो निकल जाता है, एक्सट्रैक्ट है, पाउडर है। तो कैप्सूल का पाउडर निकाल के और पानी में मिला के, और मेधावटी छोटे बच्चे हैं तो उसको भी आधी गोली फोड़ के पानी में मिला के पिला दो। क्योंकि मेधावटी और अश्वगंधा इसके कंटिन्यूअस लेने से आप आए करते रहो साइकिलिंग, रुको मत, कंटिन्यूअस करने लेने से अद्भुत लाभ होता है। मैंने कितने बच्चों को देखा है, डाउन सिंड्रोम वालों को, सेरेब्रल पालिसी वालों को, बच्चे अच्छे हो जाते हैं, उनको देना। क्योंकि एलोपैथिक दवाई से हम उनका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते। वो एलोपैथी वाली दवाई तो एपिलेप्सी और डिप्रेशन और इस तरह की, और वो चलती ही रहती है, बंद भी और नहीं बढ़, होती है। और बढ़ जाती है, और बच्चों का मेंटल ड्राउजीनेस बहुत बड़ी रहती है, सोए रहते हैं। आप ये करना, तो मतलब मृत्यु की ओर जा रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ उनके लिए ये करना, ये प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम और ये मेधावटी और अश्व, और ये फिर हम एक रिसर्च में भी बाबा जी जरूर डालो, योगा बच्चों के लिए उपयोगी है। मरकटासन कीजिए। अब मरकटासन पहला अभ्यास, दूसरा अभ्यास। एक बहन मेरे से मिली अभी, उसको है स्क्लेरोडर्मा, शरीर की चमड़ी ऐसे हो जाती है जैसे लोहा, ऐसे टक टक मारे ना, ऐसे ऐसे आवाज आती है, ऐसे हो जाता है शरीर स्क्लेरोडर्मा। वो भी ठीक होता है, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत लगता है। मैंने कहा ना, सामान्य बीमारी में 3 महीना, विशेष बीमारी में 6 महीना, और बहुत ही असाध्य रोग है तो कितना बताया था समय, 9 महीने में, जैसे माँ की कोख से। बैठ जा, मैं तेरे बारे में बता रहा हूँ। रोज प्राणायाम करना दोनों टाइम, और औषधि भी लेके जाना, तो तुम्हारा स्क्लेरोडर्मा भी अच्छा हो जाएगा। बहुत बुरी बीमारी, कोई नहीं। मरकटासन कीजिए आप लोग। मरकटासन का पहला पोज, फिर मरकटासन का दूसरा, फिर तीसरा। चलो ये दो बहनों से पीछे से पूछ लो। हाँ, ये आपको करना है। हाँ, बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि बंदन। बाबा जी, मेरे भैया को हेपेटाइटिस हो गया था, तो इलाहाबाद हेपेटाइटिस, यस, ओ हेपेटाइटिस भी, तो पीजीआई में लखनऊ कई डॉक्टरों को दिखाए, डॉक्टर मना कर दे ठीक नहीं हो पाएगा। मरकटासन का तीसरा अभ्यास करते रहिए आप। फिर वो यहाँ आए, आपका योग शिविर किए और यहाँ बाइस को दिखाए, तब से ठीक चल रहे हैं। क्या नाम है उनका? इंद्रसेन वर्मा जी, इलाहाबाद में रहते हैं। देखो, हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों अच्छे होते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, किसी का 3 महीने में, किसी का 6 महीने में, किसी का 1 साल, किसी का 2-3 साल भी लग जाता है, लेकिन ठीक होगा। और बाबा जी, मुझे भी अर्थराइटिस हो गया था, लखनऊ लाल कुआं का दवा कराया 2009 में, वो भी योगा और दवा से ठीक हो गया। अपने लाल कुआं में उधर पतंजलि चिकित्सालय है, यस, बहुत अच्छे। ऐसे अपने पूरे देश भर में चिकित्सालयों से जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है थोड़ा मदद ले लेना। और थायराइड भी था बाबा जी, वो सब ठीक हो गया, पर अब जो है डिप्रेशन आ गया है, और घुटने में जो लिक्विड कम हो जाता वो दिक्कत, लिक्विड भी बन जाएगा डिप्रेशन तो, पर डिप्रेशन की वजह से बाबा जी हम योग कर नहीं पा रहे, मन नहीं करता। मन तो लगाना पड़ेगा, ये कोई मन कोई थोड़ी है, कोई दूसरे के हाथ में है। मन एकाग्र नहीं हो पाता बाबा जी। इसका तो एक ही उपाय है, अपने मन को गुरु में जी। भगवान तो कई बार अनुभव नहीं कर पाते ना, वैसे तो सारे रूप भगवान के ही है, लेकिन शुरुआत करो कि गुरु ने जो मुझे बताया है तो मुझे बस उसी चेतना में रहना है, उसी विचार में रहना है। मैं बोलता हूँ निम्न चेतना में नहीं, दिव्य चेतना में जीना है, गुरु चेतना में, भागवत चेतना में। इसलिए आई हूँ बाबा जी, अब बस ठीक हो जाऊँ। अब इससे इस फ्रिक्वेंसी से नीचे नहीं आना, ठीक है? आशीर्वाद। चलो, अब हो गया सबका मरकटासन भी। अब चलो, दो बहने, दोनों बहन गुजरात वाली है क्या? चलो दूसरी वाली है, कोई तो जोड़ी के साथ दो बहनें, दो दो भाई। शवासन में लेट जाओ थोड़ी देर, हा? जो जवान जवान है,
जिनको कोई तकलीफ नहीं है विशेष उच्च रक्तचाप हृदय रोग की, वो सर्वांगासन भी कर सकते हैं। सर्वांगासन अच्छा होता है थायराइड के लिए, मोटापा के लिए, इससे ना T3 T4 TSH का बैलेंस होता है। लेकिन सर्वांगासन वे ही कर सकते हैं जिनको उच्च रक्तचाप ना हो, है ना, ये बात। बाबा जी आपने बहुत पहले बोला था कि हेयर कलर आपने निकाला है पर आज तक मुझे मिला नहीं। निकल तो गया लेकिन वो बाजार में नहीं पहुंचा है। बाबा जी कब आएगा हमारे बाल उड़ जाएंगे? सबको यही दिलवा देते हैं सैंपल का, ठीक है, ठीक मिल जाएगा हेयर कलर। चलो मधुसूदन क्या फायदा हुआ बेटा? शुगर थी आपके पिछले शिविर में आया था 295 शुगर, अब कितनी है? 137। ये लो, कंट्रोल कर ली योग प्राणायाम से ही मधुसूदन ने शुगर। अब दवाई नहीं लेनी पड़ती एलोपैथी की? नहीं, अब एलोपैथी की दवाइयां नहीं लेनी पड़ती, योग से ही शुगर को मेंटेन कर लिया। मधुनाशिनी लेते हैं और कपाल भाती करते हैं। आशीर्वाद बेटा। एक तो भाई तो पूरी फाइल लेके आया, बीमारियों के नाम भी याद नहीं है, इतनी हो गई थी लगता है। क्या नाम है इनसे पूछना? जगदीश प्रसाद अग्रवाल, ओडिशा टिल्लाड़ से। जी जी। मेरे को 2009 में शुगर था, अब नॉन डायबिटिक हो गया। तब कितना था शुगर? तब था 8.6। हाँ। अब हो गया 5.4। ये इसको बोलते ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन, माने एवरेज शुगर 3 महीने का पता लग जाता उससे। तो 8 था, अब 8 से कितना आ गया? 5.4। 6 से नीचे नॉन डायबिटिक माना जाता है। ये लो, डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गया। ओजन 112 किलो था। 112 है? हाँ, अभी 102 है। चलो 10 अब और कम कर लो। तो शुगर एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो तो मिटा ली। इसको कहते हैं शुगर क्योर होना, बीपी क्योर होना, योग से बीपी की गोलियां बंद हो जाती, शुगर की गोलियां बंद हो जाती। ये है बड़े बात, आशीर्वाद। चलो अनुलोम विलोम कर। स्वामी जी ओम, राजुल अग्रवाल रेवाड़ी से। स्वामी जी मुझे बचपन से अस्थमा था, उसके बाद एस्पिरिन ज्यादा लेने से जॉइंट पेन हो गया। मैं अस्थमा की दवाइयों से अर्थराइटिस हो गया। यस, वेट बढ़ गया 84 kg। 84 था? हाँ जी। उसके बाद डायबिटीज हो गई, उसके बाद थायराइड हो गया। तो एक के बाद दूसरी दवाई, फिर दूसरी के बाद तीसरी, ये है एलोपैथी का कुछ चक्र। फिर अब नॉन डायबिटिक हूँ। नॉन डायबिटिक हो गई 5.4। और पहले कितना था? पहले सर डिटेक्ट हुई थी जब 600 था पीपी। 600 शुगर, और अब 5.5, माने 6 से नीचे आना नॉन डायबिटिक होता है। क्या नाम है? राजुल अग्रवाल। ये लो, ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, दोनों ही हमारे भाई है? अब वजन कितना हो गया? अब 62-63 रहता। और पहले कितना था? 84 से 62 तो वेट आ गया, और 600 से शुगर अब 5.5 पर, और वैसे मपवाते हैं तो कितने आती है? वैसे 90-80। ये शुगर कम ज्यादा होना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो 10-20 पॉइंट आगे पीछे होती रहती है। जो ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन है ना, जो एवरेज शुगर आती है, जो 5.5 बता रहे हैं, ये है डायबिटिक का नॉन डायबिटिक होना है? ये दोनों ही हमारे भाई है? कमाल कर दिया भाई, आशीर्वाद भाई। ये तो पूछा तो पता लगा, आशीर्वाद आशीर्वाद, खुश हो, ये तो बहुत। चलो एक बाबा जी सामने से पूछ लेते हैं। अनुलोम विलोम तो जारी रखो, आप तो अपना ही भूल जाते हो। ओम बाबा जी। हाँ। मैं पिछले शिविर में भी आपके आया था। हाँ। तो मेरे को क्या घुटनों में बहुत दर्द था पहले, तो फिर सर्वाइकल भी हो गया था, शुगर भी हो गई थी, बीपी भी हो गया था। तो फिर मैं तो अब 10 साल से योग कर रहा हूँ, 5 साल से, फिर मेरे को बिल्कुल सब बातें ठीक हो गई, वजन भी मेरा घट गया, 75 किलो होता था, कल मैंने 70 तोला। पहले मेरे को झिझक आ रही थी कि मेरा अब क्या कम होगा, फिर मैंने जब आपने सबके बुलवा ली, मैं बोलना चाहता था, तो पता लगा जी मेरा 68 किलो 200 ग्राम हो गया, 1 किलो 800 कल में घट गया मेरा। मैंने कहा यार मैं तो पतला हूँ, पर मेरी एज भी बाबा जी 70 साल है प्रभु की कृपा से, तो अभी 70 साल। हाँ जी, 70 साल में बीपी, शुगर, थायराइड, सर्वाइकल, कई बीमारियां हो गई थी। और मैं कईयों को बोलता हूँ जी, मेरे साथी लुधियाना से आए, उनको बोला मैंने कहा भैया चलो, मैं अब इतनी बीमारियां ठीक कर ली, अब साथी का कितना कम हुआ?
वो एक किलो कह रहे जी कलम, एक तो हुआ खिसका, तो खिसका जी खिसका। चलो बहनों से पूछते हैं, अभी एक दो बहन पीछे खड़ी है, इन्हीं से पूछ लो। भाई मेरी मिसेज को कैंसर हुआ था अक्टूबर 2014 में, तो डॉक्टर ने बोला कि 6 महीने से ज्यादा देर रह नहीं सकेंगे, लेकिन हमने आपके ऊपर विश्वास रखा और योगा शुरू करवाया मैंने और साथ में अंग्रेजी दवाइयां भी ली, तो धीरे धीरे अब ये स्वास्थ्य डेढ़ दो साल हो गए हैं, अब ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ठीक है और इनका चल रहा है, ट्रीटमेंट भी चल रहा है, साथ में योग भी कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने बोल दिया था इतना ज्यादा कैंसर हो गया है, इसको बोलते हैं ना फोर्थ स्टेज का, लास्ट स्टेज का कैंसर, स्टेज 3B का था जी। क्या नाम है? लंग कैंसर, किरण जिंदल। किरण, किरण की रोशनी बुझने को थी। अब डॉक्टर ने बोल दिया था 6 महीने के मेहमान है, अब कह रहे हैं अब तो ठीक ही होगी। ये तो कई बार ज्यादा बीमारी हो जाए तो एलोपैथी आयुर्वेद की जो भी दवाई अब इमरजेंसी में लेनी पड़े ले लो, योग करो जरूर, और कैंसर आदि ठीक होने के बाद भी जरूर करो, नहीं तो दोबारा हो जाता है, इसलिए योग के सिवा कोई रास्ता नहीं है। चलो बहुत आशीर्वाद किरण को भी, खुश रहो बेटा। गुरु जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। प्रणाम गुरु जी। मैं यहाँ पे अपने पिताजी डॉक्टर डीआर शर्मा की प्रेरणा से आई हूँ, मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अनुलोम विलोम और प्राणायाम और योग अपना के कितना कुछ लाभ किया है। उन्होंने बहुत बड़ी उम्र में यानी कि लगभग 70 के आसपास नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया था दो बार, और हम उन्हें रुड़की से मेदांता के लिए ले गए, रास्ते में ही प्राणायाम अनुलोम विलोम करते रहे, ऊपर की जीवन थी, और दिल्ली पहुंचने से पहले पहले उनका वो पैरालाइज दो बार ठीक हुआ, और अब 88 साल की उम्र में उनके योग करने के कारण जो सफेद बाल हैं वापस काले आने शुरू हो गए, यहाँ से हाथों में सारे व्हाइट बाल ब्लैक हो गए हैं उनके। तो मैं इसे कहाँ पर है? वो फिलहाल गुड़गांव में है, वैसे रुड़की में है। क्या नाम है? डॉक्टर डी आर शर्मा। डॉक्टर डी आर शर्मा। 88 साल की उम्र है और बाल वापस काले होने शुरू हो गए। उनकी बेटी बोल रही है और पिताजी ने कहा कि बेटा आप भी जाओ। जी 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 बिल्कुल। और पैरालिसिस हो गया था, अब क्या होता है कई बार हॉस्पिटल हमसे तो 200-500 किलोमीटर दूर होता है, हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया, क्या करेंगे? अनुलोम विलोम कर लो, मरोगे नहीं हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले, और हो सकता है अब इसके तो पिताजी हॉस्पिटल में जाने से पहले ठीक भी हो गए, वो कोई क्लोट आया निकल गया अनुलोम विलोम से। कंटिन्यू करना है, एक ही शर्त है, क्या करना है बोलो, कैसे करना है? कंटिन्यूअस करना है, कंटिन्यूअस। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। मैं देहरादून से आई हूँ और मेरा 12 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरी ये फीमर बोन टूट गई थी, तो दो बार ऑपरेशन हुआ मेरा, तो उसमें मेरी हड्डी नहीं जुड़ी, तो तीसरी बार मेरा ऑपरेशन जो है वो 2013 में हुआ है, तो मैं लगातार 13 से अब तक नियमित जो है ये प्राणायाम या योगा कर रही हूँ, और अब की बार मेरी हड्डी जुड़ गई है। ये लो। और जो हड्डी जुड़ी नहीं थी, ऑपरेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, वो हड्डी प्राणायाम से अपने आप, मैंने कहा ना हड्डियों का मेटाबॉलिज्म, ब्लड का मेटाबॉलिज्म, बोन्स का मेटाबॉलिज्म, पूरी बॉडी का अंदर का ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, मैं बोलता हूँ ना, वो ये एग्जांपल है उसकी। और बाबा जी सारी रिपोर्ट्स मेरी पहले खराब थी, LFT KFT वगैरह, उसमें भी बहुत सुधार आया है, अब बिल्कुल रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल, सारी रिपोर्ट्स ब्लड की और सारे होमोग्लोबिन वगैरह भी सब ठीक है। बहुत अच्छा। थोड़ा ये ऐसे कर लो सूक्ष्म में, थोड़ा करो ऐसे। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम शीला मेहता है, मैं हिमाचल प्रदेश बिलासपुर से आई हूँ। मुझे स्पाइन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, L4-5-3-4-5 सारे डिस्टर्ब थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला हुआ था। पिछले साल से मेरी टांगों ने बिल्कुल वजन लेना बंद कर दिया था, हाथों में कोई चीज़ कोई पकड़ नहीं थी। उसके बाद मैंने ये योगा शुरू किया, पहले भी देखती थी आपका प्रोग्राम, पिछले साल यहाँ आए भी थे, परंतु आपका वो शिवर कैंसर हो गया था। अच्छा। फिर हम दिल्ली चले गए, दिल्ली मेरे लिए ऑपरेशन के लिए बोला, चंडीगढ़ में ऑपरेशन के लिए बोला। उसके बाद मैंने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना है, और आज मैं खड़ी हूँ, मैं गिर जाती थी, मैं एक सेकंड भी खड़ी नहीं हो पाती थी, एक सेकंड भी नहीं जी, मैं गिर जाती थी। 4 महीने में बेड पे रही, मैंने सूरज भी नहीं देखा था बाहर,
चार महीने बेड पर रही, सूरज भी नहीं देखा और चलती थी तो गिर जाती थी। आज अपने पैरों से चल के हिमाचल से यहाँ आई और अब ठीक है, बहुत ज्यादा ठीक हूँ अब। और मैं डेली योगा करती हूँ, आपका प्रोग्राम रोज आस्था में देखती हूँ। ये कमर के खास एक्सरसाइज बताते हैं ना, ये कमर की नहीं तो ऑपरेशन करने पर तो पैरालिसिस हो जाता है, कई बार तो पूरी जिंदगी बेकार हो जाती है। माने मैं कहता हूँ ना, 99% आप ऑपरेशन को अवॉइड कर सकते हो, बैक का ऑपरेशन, घुटने का ऑपरेशन। मैंने नहीं सोचा था कि मैं टांगों के बल दोबारा चल पाऊंगी, लेकिन ये आज योग के बल से मैं खड़ी हूँ और चल रही हूँ। कितनी उम्र है माँ? 61 साल। 61 साल में, नहीं तो बड़ी उम्र में हड्डियाँ कहते हैं कमजोर हो जाती हैं। ठीक कर ली, चलो आशीर्वाद। ओम बाबा जी, मेरे को 2003 से क्या कहते हैं उसके लिए अस्थमा की शिकायत थी। मेरा टेबलेट 24-24 होता था पर डे, उसके बाद मेरे वॉमिटिंग होती थी ब्लड की, फिर भी कोई पता नहीं चला। उसके बाद मेरे फिर बैक प्रॉब्लम हो गई, मेरे ऑपरेशन हुआ है रीढ़ की हड्डी का। तो उसके बाद फिर जाके चेयर मैंने, अब जाके यहाँ जून में आकर उसके बाद मैंने योगा करना स्टार्ट करा। उसके बाद मैं कोई भी टैबलेट नहीं ले रही हूँ, चल फिर रही हूँ। 1 साल पूरा बेड में सोए रही हूँ, 1 साल बेड में सोई, पूरे बेड में रही, जो कुछ भी नहीं कर सकी। मेरा 65 वेट था और फिर पिछले साल मेरा 114 हो गया था। फिर जाके मैं शिविर अटेंड करने के समय 114 था, फिर उसके बाद अब मेरा 101 रह गया था, 102 था कल, आज 101 है। तभी 114 से 102 पर आ गई थी, अभी एक और कम कर लिया। वो अब लगातार करते रहना। ये अस्थमा की दवाइयों से एक तो मोटापा होता है, दूसरा हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उसमें स्टीराइड देते हैं थोड़ा थोड़ा ना। 2003 से खा रही थी मैं, 2003 से खा रही थी। अब ठीक हो जाएगी बहन, अब अस्थमा ठीक है? हाँ जी ठीक है। अब उल्टियाँ उल्टियाँ नहीं होती? नहीं, उल्टियाँ पहले इतना भयंकर अस्थमा और उल्टियाँ खून की होती थी। अब जब कभी थोड़ा मौसम खराब हो जाता है या फिर ठंड से पानी का ज्यादा ठंडी पड़ जाए तब जाके कहीं थोड़ा सा, उसमें थोड़ा ये अपना स्वास्थ्यिक पाथ आदि है ना, आयुर्वेद की थोड़ी औषधि है ना अपनी, ये थोड़ा काढ़ा कूढ़ा ले लिया करो, उससे ठीक रहेगा। आशीर्वाद।